नमस्कार, जेपीडीज किचन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम मांस वड़ी बनाने वाले हैं। तो मांस वड़ी बनाने के लिए हमने इस तरह से मसाले लिए हैं। मांस वड़ी ये बहुत ही मसालेदार रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमने लंबाई में 2 बड़े प्याज हमने कट कर लिए हैं। कवरिंग के लिए हमने बेसन लिया है। तो जितना आप बेसन लेंगे उतना ही आपको पानी लेना है, इसी बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। एक बाउल हमने ये बेसन लिया है और इसी बाउल से हम पानी भी लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सब हम मिक्सर में बारीक कर लेंगे। 2 छोटे प्याज हमने गैस पर डायरेक्ट भून लिए हैं और इस तरह का सूखा नारियल भी मैंने गैस पे अच्छे से भून लिया है। अदरक और लहसुन और इन सब की अब हम पेस्ट बना लेंगे। गरम मसाले में हमने 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर हमने लिया है। 1 बड़ी कटोरी सूखा नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है, 1 चम्मच खसखस ली है, हरी धनिया हमने ली है। अब सबसे पहले हम हरी मिर्च और इन मसालों की पेस्ट बना लेंगे। अनियन, गार्लिक, ऑनियन, लहसुन और अदरक, सूखा नारियल, इन सब की भी पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हमने प्याज को ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें सूखा नारियल ऐड करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे और थोड़ा सा तेल डालकर इसमें हम पॉपी सीड को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज, अदरक और लहसुन की जो पेस्ट हमने बना के रखी थी उसे ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें सभी गरम मसाले ऐड कर देंगे। इसे लगातार 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। नमक ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने लिया है। हमारी जो चम्मच होती है, छोटी चम्मच, बस इतना सा पानी हमने लिया है ताकि ये जो सभी मसाले हैं इसमें अच्छे से घुल जाए। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। अब हमने इसमें हरी धनिया मिक्स कर दी है और इसे मिक्स करके अब इस मिक्सचर को हम साइड में निकाल लेंगे। हमने फिर से कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल में हमने जीरा ऐड किया है और जो ग्रीन मसाला हमने बना के रखा था उसे भी हमने ऐड किया है। थोड़ा सा हींग हमने इसमें ऐड किया है। और अब
जितना हमने बेसन लिया था उतना ही पानी लिया है। अब वो पानी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। नमक ऐड करेंगे, हरी धनिया मिक्स कर दी है। देखिए अब इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। इसे लगातार आप जल्दी से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो इसमें गुठली पड़ सकती है। तो आप इसे लगातार बेलन की सहायता से इसे हमने मिक्स किया है। देखिए अब बेलन को हटा देंगे और चम्मच से हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीन से चार मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया है ताकि हमारा जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। ये मिक्सचर अच्छे से मुलायम बन जाए इसलिए हमने इसे ढक दिया है। देखिए हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से बन गया है। अब हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब हम मैंने इस तरह का प्लास्टिक का पेपर लिया है तो इसे अच्छे से साफ कर लिया है। इस पर थोड़ा सा तेल हमने स्प्रेड कर दिया है। अब हमने जो कवरिंग बनाई थी वो कवरिंग हम इस पर डाल देंगे। से थोड़ा सॉफ्ट हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से पलटी करके इस तरह से आप इस बैटर को अच्छे से सॉफ्ट बना लीजिए और इसे बेलन की सहायता से बेल लीजिए। आप चाहे तो इसे पतला बेल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज में इसे बेल लिया है। अब इस पर हम ये जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे ऐड करेंगे। इसे सब जगह ऐसे स्प्रेड कर देंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम फोल्ड कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी मांसवड़ी बन गई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए।
ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वह इस पे डाल दिया है थोड़ा सा तेल। इस तरह से आप इसे गरम गरम खाइए, ये बहुत ही बढ़िया है। इसका स्वाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।